तो हेलो गाइस, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहां पर लेके आ चुका हूं वंस ए ह्यूमन का एक और नया एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू करने से पहले जोड़े बंदों के चाल पे फटाफट से इस वीडियो को लाइक शेयर और चाल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड गाइस, ओ मेरा टूल टूट गया भाई यहाँ पे, ठीक है, हमारा टूल जो है गाइस वो टूट चुका है। और गाइस चैनल को जो है ना गाइस यहाँ पे, अरे यार मैं क्या बोल रहा था, ये टूल टूट गया ना, उसके चक्कर में इंट्रो इधर उधर हो गया। सो गाइस, जो भी नए बंदे होंगे गाइस, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड अगर अभी तक आप लोग ने हमारा जो मेन चैनल है गाइस, उस मेन चैनल पे अभी तक प्रमोशनल वाली वीडियो चेकआउट नहीं करी, तो प्लीज जाइए अपने मेन चैनल पे। प्रमोशनल वाली वीडियो डेली अपलोड होती है। अगर वो वीडियो को दिन में 24 घंटे में 6500 व्यूज मिल जाते हैं, तो हमारा ये वाला जो चैनल है, इस चैनल पे दिन में 3 या 4 वीडियो अपलोड होती है। तो अगर आप चाहते हो कि डेली 3-4 वीडियो चैनल पे अपलोड हो, आर्क की, वंस ह्यूमन की, फिटेस्ट की, तो फटाफट जाइए अपने मेन चैनल पे और वहाँ से जो प्रमोशनल वीडियोस को चेकआउट करके आ जाइए गाइज। और उससे तुम्हारे भाई को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ गाइज कर लेना यार, जाके चेकआउट गाइज उन प्रमोशनल वीडियोस को। अभी सबसे पहले ना गाइज, मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो स्टोरी मोड तो भाई है ही यहाँ पे, ओके। स्टोरी मोड तो भाई हमारा भाई जो हमको कंप्लीट करना है, बट उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें जो है गाइज हम लोग को करनी है। पहले तो मैंने भाई 2000 एमओ बनाने के लिए डाली थी, वो 2000 की 2000 एमओ बन चुकी है, ओके। अभी मेरे एआर में जो है ना गाइस भर भर के एमओ, ओह शिट गाइस, कुछ तो गड़बड़ हो गई। कॉपर राइफल एपी एमओ, कॉपर राइफल एपी एमओ, कॉपर राइफल एपी एमओ तो एआर में नहीं लगी। ओ मैन गाइस, कुछ तो कांड हो गए भाई, इसको कौन से एमओ चाहिए होती हैं, इसके लिए कौन से एमओ चाहिए भाई। यार मैंने एआर की एमओ बना ली कोई गलत वाली, यार यही तो मैंने एमओ यूज करी थी, राइफल एमओ यूज करी थी। हाँ कॉपर एलएमजी एमओ, ए गाइस हम लोग यही एमओ तो यूज करते हैं ना, फॉर केम KM एंड स्कार, KM एंड स्कार। मेरे पास कौन सी गन है, AKM, ओह मैन, AKM के लिए कौन सी एमओ चाहिए, ये वाली MGN KVD फॉर AKM एंड स्कार सीरीज राइफल। ये यही तो एमओ होती है ना, कौन सी और एमओ होती है, ये वाली यार, कॉपर राइफल बुलेट। हट भाई गाइस, मैंने गलत एमओ बना दी। अभी इस एमओ का क्या, ये एमओ किसके लिए काम आएगी, कौन से राइफल के लिए गाइस रुको, अभी जो भी राइफल के लिए काम आती वो राइफल बनानी तो पड़ेगी मुझे। केम, ओके केम बीपी है, अच्छा मुझे इसकी एक ब्लूप्रिंट भी मिली थी, ठीक है। ये वाली है ना केम, ये तो मैं चला रहा हूँ, ये वाली है क्या, स्कार के लिए काम आती है। स्कार, स्कार किस में है भाई, स्नाइपर एमजी, यार स्कार कहाँ पे, क्रॉसबो इसके लिए काम आएगी क्या, मैंने जो एमओ बनाई है ना, अच्छा स्कारिल जो आगे की टायर की गन है गाइस, ओके समझ गया मैं, मैंने आगे की टायर वाली गन की एमओ बना ली है, मैं उसको अनलॉक कर सकता हूँ क्या एक स्कारिल को, लेट्स या लेट मी चेक, अगर अनलॉक कर पाया ना तो मैं उसको बना लूँगा गाइस। हाँ रुको लेट मी चेक गाइस, क्या हम स्कारिल अनलॉक कर सकते हैं अभी फिलहाल के लिए, यहाँ पे ये वाले अनलॉक होगी बराबर, और स्कार आई थिंक से यहाँ पे अनलॉक होगी, और नहीं यहाँ पे तो रॉकेट लॉन्चर अनलॉक हो रहा है। स्कारिल कहाँ पे, कौन से लेवल पे अनलॉक हो रही है, स्कारिल कौन से लेवल पे अनलॉक हो रही है, हम लोग को स्कारिल चाहिए गाइज, स्कारिल चाहिए, रुको मैं देख लूँ एक बार, स्कार एकदम नीचे नहीं लग रहा है गाइज, ये स्कारिल, ओके KM के लिए भी यूज़ होगी क्या, रुकना गाइस मैं एक गन बना लूँ जो मैंने 2000 एमओ बनाई है ना उसके लिए, और तब तक हम लोग यहाँ पे बना लेते गन पाउडर, मुझे गन पाउडर भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, गन पाउडर के बिना भाई अभी एमओ नहीं बनेगी, तो गन पाउडर बनाने के लिए डालता हूँ, तब तक ये एमओ का भी सीन भाई ठीक हो जाएगा। ये वाली बनाई है ना कॉपर, फॉर KM एंड सोकार राइफल भाई, ठीक है KM एंड सोकार, KM एंड सोकार, ये KM है बराबर, तो मैं KM ही तो चला रहा हूँ ना यार गाइस, मैं KM चला रहा हूँ ना, या मैं AKM चला रहा हूँ, एक मिनट मैं कौन सी गन चला रहा हूँ,
एकियम ओल्ड्रेड में एकियम चला रहा हूँ और ओके डन सीन। एकियम और केएम अलग अलग गन से सच में? ओके तो अगर मैं ये राइफल केएम बना लेता हूँ तो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा थोड़ा सा गाइस। अगर मैं इस केएम को बना लूँ ना तो काम 25 हो सकता है मेरा, ठीक है। बट उसके लिए मुझे काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होगी, मतलब एक गन्स वगैरह भी मैं बना नहीं सकता हूँ। और सोआर सोकार करके कुछ था, और सोकार करके वो गन आई थिंक से अनलॉक नहीं करी हमने। चलो वो एमओ वैसे ही पड़ी रहेगी, मैं एकेएम के एमओ यहाँ पे बना लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो चलो आ जाओ, लेट्स गो। इसके चक्कर में पड़ा रहा ना तो भाई अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ओके मुझे इनगट्स बनाने, में इनगट बना लेता हूँ जल्दी जल्दी, मुझे बहुत सारे इनगट्स बनाने, ठीक है। ओके इसको मैं भाई एक गन पाउडर ले लेता हूँ, और मुझे बनानी है ये वाली कॉपर राइफल एमओ, ठीक है। पता नहीं आ रही कितनी बनेगी, 1400 बन रही है, 1400 बन रही है। चलो कोई सीन नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी क्या करना है, सिक्योर फेस्टिंग जेल इन टेरिटरी। ऑल राइट, सिक्योर फेस्टिंग जेल इन टेरिटरी, सिक्योरमेंट यूनिट, पता नहीं है क्या है भाई। बिल्ड गैराज, ओके मैं गैराज बना सकता हूँ ना अभी के लिए। रुकना तो मुझे बिल्ड मोड पे जाके थोड़े से जो फाउंडेशन यहाँ पे लगाने दो, ठीक है। लेट मी बिल्ड सम फाउंडेशन। अभी के लिए मैं फालतू सा ही घर बना रहा हूँ गाइज, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है ना फाउंडेशन, मैंने यहाँ पे देखा है कि ओके मैंने यहाँ पे क्या देखा है पता है, इसमें ना हम लोग डायरेक्टली घर बना सकते। क्या कम पड़ रहा है, मुझे क्या क्या चाहिए होगा बनाने के लिए? लॉग एंड ग्रेवल, ओके ठीक है। मुझे लॉग कम पड़ रहा है, मुझे उसके लिए बनाना पड़ेगा सबसे पहले हथियार। हथियार जो है जो हमारे टूटे पड़े ये वाले एग्स बनानी पड़ेगी मुझे। कॉपर एग्स बना सकता हूँ, बट उसके लिए 7 कॉपर चाहिए होगा, 7 कॉपर। आर यू कॉमेडी मी? अच्छा ये पिकैक्स है, ओके ये पिकैक्स बना लेता हूँ एक, और एग्स भी बना लेते हैं हम लोग, ठीक है ये वाली। उसके लिए लॉग चाहिए होंगे, ठीक है। रुको पहले एमो खरीद लूँ, एमो ले लूँ, एमो मैंने बना लिए अभी, हमारी एआर तो एटली चल पाएगी। ओके एमो ले लिए मैंने, हाँ भाई अभी हम एआर तो एटली चला पाएंगे यार, सही है। चलो अभी जल्दी जल्दी से मैं ये कर लेता हूँ, और ये जो हीलिंग वगैरह है ना, ये हीलिंग यहाँ पे है, एंड ये यहाँ पे लगा देता हूँ। तोड़ दे भाई, तोड़ दे, पूरा तोड़ दे, इसकी ज़रूरत है हम लोग को वैसे भी। ओके एक एक्स भी बना लेता हूँ मैं, पिकैक्स या एक्स जो भी थी, इसको कलेक्ट कर लेते हैं। एंड इसमें ये एक्स थी ना आई थिंक से, अगर मैं नहीं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे एक एक्स थी, कॉपर पिकैक्स। ओह कॉपर पिकैक्स है ये, ऑल राइट। कॉपर की बना लेते हैं, कड़ की हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, कड़ की पिकैक्स जो है उसको मैं डिसमेंटल कर लेता हूँ इसके अंदर। आई जो भी थी भाई वो ये वाली ना, ये वाली, इसको हम तोड़ डालेंगे पूरा। इससे हमको थोड़े से रिसोर्सेज जो है गाइस वो रिटर्न मिल जाएंगे, ये वाली पिकैक्स जो है गाइस वो उससे बेटर है। ओके डन। अभी मुझे यहाँ पे भाई फाउंडेशन लगानी है, बट उससे पहले भाई मेरे को चाहिए होगा बहुत ज़्यादा यहाँ पे वुड। इससे क्या होगा, जल्दी जल्दी टूटेगा, आई थिंक से ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे ना इससे, लग तो ऐसे ही रहा है। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, आज हम लोग गैराज वगैरह बनाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है गाइस। गराज वगैरह बनाएंगे मस्त बेके। अभी मैं फिलहाल के लिए घर नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं जैसे स्टोरी मोड आगे करते जाऊँगा ना तो मुझे घर की ब्लूप्रिंट जो है गाइस वो मिल सकती है बढ़िया सी, ठीक है। बिल्ड अ बेड, ओह ओके वेट अ मिनट, क्या ना बिल्ड बेड, मैं बेड बना सकता हूँ फर्नीचर में, आई थिंक से बेड हो सकता है। और टेबल है और बेड है, बेड के लिए क्या चाहिए, एडेसिव एक्सक्लूसिव। एक्सप्लोजिव क्यों चाहिए यार बेड के लिए, मैं बना सकता हूँ एक्सप्लोजिव, क्या क्या ना मेक दिस एक्सप्लोजिव। यहाँ पे बनेगा जो भी एक्सप्लोजिव वगैरह होगा, तो वो नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ पे नहीं ना, नहीं एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे देखने दो। एक्सप्लोजिव है तो मैं भी यहाँ पे बन सकता है वो, यहाँ पे आर्मर शार्मर है। ओके मैं रिपेयर कर सकता हूँ यहाँ से भाई सारी चीज़ों को, ओके नाइस, ठीक है। ओके नहीं एक्सप्लोजिव यहाँ नहीं बन रहा, तो बेड तो अभी के लिए मैं बना नहीं पाऊँगा जब तक मुझे वो मिलता नहीं है। चलो मैं अभी यहाँ पे भाई वो कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से, अपने बेस को थोड़ा एक्सपैंड कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना गराज वगैरह बनाना है इसके लिए।
कम ऑन। अच्छा ये जल्दी जल्दी हम लोग प्लेस नहीं कर सकते यहाँ पे, पता चल गया मेरे को, हमको थोड़ा वेट कर कर के प्लेस करना पड़ता है ये। ठीक है आई थिंक से लॉक खत्म अपने। ठीक है यहाँ से लॉक ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं गैराज जो है वो बना लूंगा तुरंत, तो उस गैराज में हम लोग अपनी बाइक जो है वो रख सकते हैं और शायद से रिपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है तो जल्दी जल्दी मुझे पहले भाई ये पाम ट्री तोड़ने दो, इससे जो वुड मिलेगा उसको हम लोग यहाँ पे लगा देंगे लाइक दिस। ओके वुड वुड खत्म हो रहा है, ये आगे और थोड़ा एक्सपेंड कर लेता हूँ मैं। ठीक है और वहां से ना मैं स्टेयर्स निकालूंगा, जो हमारी बाइक रहेगी ना वो फिर हम लोग नीचे उतार पाएंगे वैसे करके, तो बढ़िया लगेगा दिखने में भी अच्छा लगेगा। वैसे हमारा घर तो नहीं है परमानेंट वाला, बट फिर भी अगर बना रहे ना थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। मेरे पास सीलिंग काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है वैसे, और एहमो तो भर भर के आ गई है। खाना ओके खाना भी कुक करना पड़ेगा, पहले मैं पम्पकिन खा लेता हूँ, रुको मुझे वाटर भी चाहिए थोड़ा सा। ये मिल्क पी लेता हूँ, रुक जाऊँ गाइस, पी ले भाई मिल्क पी ले। डनसिन ओके अंडे अंडे खा लेता हूँ एलिगेटर के, इससे भाई खाना भी मिलेगा और पानी भी मिल जाएगा, वो पानी नहीं मिल रहा है इससे। ठीक है कोई सीन नहीं है, चलो अभी चल के गाइस हम लोग यहाँ पे गैराज बना लेते हैं भाई जल्दी जल्दी से। ऑप्शनल मिशन है लेकिन चलो कंप्लीट कर लेते हैं। ओके फिर भी नाउ कैन आई प्लेस स्टेयर्स हियर? ओ ये हमारे बेस के रेंज के बाहर जा रही है आई थिंक से ना, दैट्स वन। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, इधर मैं लगा नहीं सकता इसको क्योंकि ये बेस के रेंज के बाहर जा रही है, बट आई थिंक से मैं इधर इसको लगा पाऊंगा। हाँ हाँ मैं इसको इधर लगा सकता हूँ, रुको कम ऑन नीचे लग जा भाई नीचे आ जा। अरे यार एक एक यहाँ पे हल्का सा कम ऑन, अरे नीचे ही नहीं लग रहा, छोड़ो अभी हम गैराज बना लेते बराबर, बिल्ड गैराज ये हमारा मिशन है भाई। फैसिलिटीज़ में गैराज है यहाँ पे कहीं पे, गैराज गैराज मैंने अनलॉक करा है कि नहीं पता भी नहीं है मेरे को, हाँ अनलॉक तो है। इसके लिए मुझे रस्टेड पार्ट चाहिए होंगे। एक्सप्लोर द विल्डरनेस और वहाँ से हम लोग को ही मिल जाएंगे ना, ऐसे नहीं मिलने वाले। ठीक है मेरी इन्वेंट्री का क्या सीन है, फुल तो नहीं है ना, नहीं है वैसे, सॉर्ट करके रख लेता हूँ। ठीक है चलो एक काम करते हैं, हमको रिसोर्सेज तो चाहिए एंड उसके लिए हैं हमको भाई इधर उधर घूमना पड़ेगा, अभी ऐसे हमको रिसोर्सेज नहीं मिलने वाले। अब मैं एक काम कर लूँ क्या, मेरे पास ना एक मिनट रुक जाओ, फर्नीचर नहीं फैसिलिटीज़ में एक वो ग्लास वाला ये और नहीं बना सकता, मुझे इसके लिए स्क्रैप चाहिए होंगे। ठीक है तो मुझे भाई ओपन में घूम घूम के गाइस कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं क्या डाल सकता हूँ, पम्पकिन सीड्स, ओके ठीक है, जो काम की चीज़ें नहीं है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। फुटबॉल, फुटबॉल का क्या करेंगे, इसको मैं डिसमेंटल कर लूँगा भाई। टेबल वगैरह हैं जो चीज़ें काम की नहीं है उनको हम यहाँ पे डाल सकते हैं, स्पॉइल मीट डाल देता हूँ अभी के लिए। ठीक है चलो लेट्स गो, अभी हम कहाँ पे चलें, सिक्योर द क्या फेस्टरिंग जेल इन टेरिटरी सिक्योरमेंट यूनिट, ये समझ नहीं आ रहा मेरे को भाई क्या सीन है, ये मिशन मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये रिफ्ट तो हमने, अच्छा यहाँ पे भाई हम लोग को क्या क्या मिलेगा वो भी बताया गया है ना, इस रिफ्ट को कंप्लीट करने चलूँ, यहाँ टेलीपोर्ट नहीं कर सकता मैं, यहाँ पे कर सकता हूँ टेलीपोर्ट डायरेक्टली, वहाँ से मैं इधर जा सकता हूँ। ठीक है ये क्या चीज़ है, ओह सर्ज ऑफ फिश, ऑल राइट ये क्या चीज़ है, हम फिशिंग कर सकते हैं इस गेम में क्या, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी और वही काम गाइस अभी फिलहाल के लिए मैं धीरे धीरे करके जो ना गाइस करे जा रहा हूँ। ओके लोन लाइट, यहाँ पे क्या, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश आर गैदरिंग हियर ड्यू टू अननोन फैक्टर सो यू मे बी एबल टू कैच सम रेयर फिश, वेयर वेयर हियर, ओके आई थिंक से यहाँ पे मर्जर सिम्स टू बी कलेक्टेड दिस फिश, ओके यहाँ पे क्या, कहाँ है फिश, आई कांट सी एनी फिश, यहाँ पे कहाँ फिश है, ये बोल तो रहे कि इधर पे काफ़ी सारी फिशेज जो है जो आ रही है इस वाले एरिया में,
पानी में कूदना पड़ेगा। इंटर कंटेमिनेटेड वाटर, इंटर इन कंटा। आई थिंक से मुझे काइंड ऑफ कुछ फिश रॉड वगैरह चाहिए होगा ना उस फिश को पकड़ने के लिए। मुझे नहीं लग रहा मुझे ऐसी ये फिशेज मिलने वाली है भाई, ठीक है, मुझे नहीं लग रहा ऐसी फिश मिलेंगी मुझे। तो वहाँ पे ओए वहाँ पे कुछ तो है गाइस, रुको उसको मैं कैप्चर करने की ट्राई करता हूँ। ये देखना यहाँ पे कुछ तो है, मैं इसको कैप्चर करने की ट्राई करता हूँ। रुको इस चीज़ को 19% चांसेस को कैप्चर करने के, बट लेट्स सी कैप्चरिंग फेल ट्राई अगेन लेटर। ठीक है चलो कोई सीन नहीं। यहाँ पे गाइस फिशिंग रॉड चाहिए होगा मे भी, जो हमारे पास अभी फिलहाल के लिए अवेलेबल। ओह नहीं, इससे बात कर लूँ मैं। शॉप, ओ इसके पास शॉप है। ओ यहाँ से मैं फिश खरीद सकता हूँ एक्चुअली, मैं चाहो तो खाना वगैरह खरीद सकता हूँ, बट मुझे फिशिंग करनी है मैडम जी। आई थिंक से उसके लिए मेरे पास एक मिनट रुक जाओ, वो वापस से आ गया। 38% चांस कैप्चर। फेल्ड। अच्छा मैं इसको ऐसे कैप्चर करे जा सकता हूँ भाई, इधर उधर ही तो उड़ रहा है। हो गया, आइए लॉगिंग व्यूअर मैंने भाई पकड़ लिया। ये क्या करता है पता है, ये इसको अगर हम घर पे रख देना तो ये भाई माइनिंग करते रहेगा, ऐसा सीन है भाई। ठीक है, बट यहाँ पे फिशिंग कैसे करनी है ये मेरे को अभी तक आइडिया नहीं है, तो हम लोग यहाँ से चलते हैं, हम थोड़े से मिशंस कंप्लीट करते हैं ताकि हम लोग को थोड़े से रिसोर्सेज जो है ना कैसे मिल सके। अब मुझे एक बार देखने दो गाइस मुझे कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए एक बार घर पे जाके, फिर हम लोग ना उन्हीं रिसोर्सेज की कैसे फार्मिंग कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ईजी पीजी है भाई, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। पहले मुझे घर पर जाने दो, मुझे भाई दो आई थिंक से लॉगिंग व्यूअर मिले, दो लॉगिंग व्यूअर मिले अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ये देखना। हाँ भाई दो मिले लॉगिंग वाले व्यूअर भाई, बट मुझे ये बनाने पड़ेंगे इसे मशीन्स, ये मशीन्स बनाने पड़ेंगे हमको। ये इसका मूड 100% क्या है भाई। ओके रुको, सिक्योर फॉरेस्ट क्या है ये, फेस्टरिंग जेल इन टेरिटरी सिक्योरमेंट यूनिट, ये समझ नहीं आया मेरे को कुछ मिशन, बट ओके ठीक है चलो। ओके रुको, बिल्ड अ गैराज, गैराज बिल्ड करने के लिए मुझे क्या कम पड़ रहा था, रस्टेड पार्ट कम पड़ रहे थे बराबर। अभी हम एक काम करेंगे, हम मैप ओपन करेंगे और ये रस्टेड पार्ट नहीं है यहाँ पे, ऐसे कैसे हम लोग को देखते जाना है और यहाँ पे हमको पता चलेगा कि हमको रस्टेड पार्ट वगैरह जो है कैसे कहाँ पे मिलेंगे। यार यहाँ कहीं पे भी रस्टेड पार्ट्स नहीं है, हाँ कहीं भी नहीं है ना रस्टेड पार्ट। कुछ कुछ चीज़ें दिख रही है तो मुझे, बट रस्टेड पार्ट नहीं दिख रहा। या कॉइन्स मिलेंगे, ठीक है। ये गेम थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, एक काम कर लेता हूँ, मेरे पास जो फालतू चीज़ें हैं जो मेरे काम की नहीं है, इनको अगर मैं डिसमेंटल करूँ इसके अंदर, बुक क्या काम की है तो मुझे मिलेगा ये, उड़ाऊँ किसी काम की नहीं है। वाटर बॉटल रख लेता हूँ, फैब्रिक रख लेते हैं, स्क्रैप पार्ट रख लेते हैं, ओल्ड क्लोथिंग इज बीन बेरिड, ओके ठीक है, एंड प्लास्टिक कार्ड्स हैं, अलार्म क्लॉक्स, उससे रस्टेड पार्ट मिल रहा है, अच्छी बात है। ग्लू, ग्लू काम आ सकता है, केटली आई डोंट थिंक केटली हमारे किसी काम आएगी। एमो पैक में रख लेता हूँ, दिस मोर सम वैल्यूबल, इसके बदले क्या मिलेगा, ओह इलेक्ट्रिक पार्ट, ओके उड़ा दे रहा हूँ मैं। स्क्रैप बॉडी है, यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ, प्रोजेक्शन जनरेशन डिवाइस केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रेप्लिका ऑफ द यूजर फंक्शन द डिकॉय, अच्छा ये डिकॉय की तरह काम करेगा, एक मिनट रुक जाऊँ, ये फाइट में काम आ सकते हैं हमारे, बट अभी चलो इसको बचा कर रखता हूँ, इसको हम नहीं तोड़ेंगे। गन्स में कुछ नहीं, आर्मर में कुछ नहीं कर सकता। ओ ये वाला आर्मर था मेरे पास टायर वन का, ठीक है, और एबिलिटी और इफेक्ट्स भी हैं, और कुछ तोड़ सकता हूँ मैं मतलब और कुछ, केटली भी तोड़ देता हूँ। ओके ब्लैंकेट, आई डोंट थिंक मुझे ब्लैंकेट चाहिए होगा, ये भी तोड़ देता हूँ। ओके सो आई थिंक से मेरे पास इतने रिसोर्सेज आ गए कि मैं गराज बना सकूँ। रस्टेड पार्ट, एक मिनट रुक जाओ, कैन आई क्राफ्ट रस्टेड पार्ट्स, क्या मैं रस्टेड पार्ट क्राफ्ट कर सकता हूँ, लेट मी चेक। क्राफ्ट तो होने चाहिए थे यार रस्टेड पार्ट्स, एक मिनट, मुझे लग रहा है कि स्क्राफ्ट होंगे, बट उसके लिए ना गियर वर्क बेंच बनाया हमने, सप्लाई वर्क बेंच बनाया बराबर, गियर वर्क बेंच सप्लाई वर्क बेंच,
और कौन से वर्क बेंच रह गए? फर्नेस मैंने बना लिया, स्टोव, स्टोव नहीं बनाया भाई, स्टोव अभी नहीं बना सकता मैं, डिसमेंटल बेंच बना लिया है, स्टोव खाने के लिए बना सकता हूँ मैं, लेकिन उसके लिए मुझे कॉपर चाहिए होगा, उसके लिए रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होंगे, ये अलग प्रॉब्लम है। रस्टेड पार्ट कहाँ मिलेंगे? स्क्रैप अगर हम यहाँ पे वो करते हैं तो इस, हाँ ये रहे रस्टेड पार्ट, इसमें से मिल रहे गाइस, दो रस्टेड पार्ट मिल रहे हैं, तोड़ देता हूँ मैं इसको, चलो रस्टेड पार्ट चाहिए मुझे बस, और कुछ नहीं, ठीक है ओके। ये इसमें से रस्टेड पार्ट मिल रहे हैं, ठीक है उड़ा रहा हूँ मैं, इसमें से मिल रहे हैं, उड़ा रहा हूँ भाई, मुझे रस्टेड पार्ट चाहिए गाइस, ठीक है, नहीं ये पार्ट नहीं है, रस्टेड नहीं है, रस्टेड चाहिए मुझे, ओनली रस्टेड पार्ट्स, ओके ये रहे ना। गैस वेल्डिंग टॉर्च उड़ा देता हूँ यार, चलो अभी अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो इससे मैं बना पाऊँगा अभी गैराज भाई, ईजी पीजी भाई, लेट्स गो। ओके सो मुझे गैराज बनाना है गाइस यहाँ पे, कैसे लगेगा ये यार, मैं उसको उल्टा ना लगा दूँ यार, समझ रहे हो, यहाँ पे लगाऊँ, ये सही लगाया, सही लगाया, सही लगाया भाई, सही लगाया। ओके तो हम लोग ने ये लगा दिया अभी, और लेकिन हमारी बाइक तो हम लेके जा सकते हैं ना, और जर्नल में से क्लेम कर लूँ मैं जल्दी से, काफ़ी सारी चीज़ें गाइस क्लेम करने को आ चुके हैं, धीरे धीरे करके गाइस सीख रहे गए हम लोग, ठीक है धीरे धीरे करके सीख रहे, चलो और कुछ क्लेम करने के लिए नहीं ना, सर्वाइवल, ए गाइस एक मिनट, हमको रिसोर्सेस एक्चुअली में मिल सकते हैं, अगर मैं इसको बुलाओ भाई को, वी से बुलाते हैं ना, नहीं 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 वी से नहीं, आई थिंक से यू से, उस बर्ड को किससे बुलाते हैं, तो मिलिया अटैक कर रहा है, उस बर्ड को बुलाना है मुझे, इससे भी नहीं, किससे बर्ड को बुलाते थे यार, ओ से भी नहीं, आई से भी नहीं, यू, वो बर्ड को बुलाना है मेरे को, ओ अच्छा ये हमारा वेलकम बैक, ओके स्टॉप ट्रैकिंग, इससे क्या होगा, ओके तो बिल्ड बेड़ा मारा भाई, जर्नी में मिशन है, और ये मैं क्या कर रहा था फिर, अच्छा ये वाला अलग हमारा मिशन है भाई, ओके वेलकम बैक, ओके ठीक है, ये अलग है भाई, ये अलग है, अबे हमको बेड बनाना है फिलहाल के लिए, तो बेड बनाने के लिए क्या चाहिए जरा एक बार देखने दो मुझे, बेड बनाने के लिए फर्नीचर में आई थिंक से डेकोरेशन नहीं, हाँ लॉक चाहिए बस खाली, ठीक है बेड लगा देता हूँ, रुको तो हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है लेट्स गो, बेड वगैरह लगा देते हैं, इजी पीजी, इससे हम लोग को एक्सपी मिलेगी, और मुझे जो है ना कि घर का ब्लूप्रिंट चाहिए गाइस, हाँ उस घर के ब्लूप्रिंट के लिए हम लोग भाई 300 ms अचानक से देने लग गया है भाई, 300 ms सीधा सीधा, हाँ अभी कंट्रोल में आ गया भाई, बीच में ms कुछ ज़्यादा है जा रहा था, ठीक है रुको गाइस मुझे एक बेड को मैं कोने में लगा देता हूँ यहाँ पर, बराबर स्लिप इन द बेड, चलो मैं स्लिप जाता हूँ, हो जाता हूँ भाई, क्राफ्ट मिली वेपन, ठीक है जर्नी कंप्लीट, ठीक है क्राफ्ट मिली वेपन, लेट्स गो बॉयज, अभी जल्दी जल्दी हमारे भाई टास्क कंप्लीट हो रहा है, क्राफ्ट मिली वेपन तो मैंने भाई क्राफ्ट करा है ना, इट्स अ मिली वेपन आई थिंक से, इज डैगर, एक क्राफ्ट कर लेता हूँ क्योंकि आई थिंक से मिली वेपन ही है अगर मैं गलत नहीं होता हूँ, थ्रोइंग नाइफ ओके, ओ नहीं इट्स नॉट अ मिली वेपन, इट्स नॉट ओके, ये टॉर्च बना लेता हूँ, चलो इट्स अ मिली वेपन भाई, ये मिली वेपन है बराबर, रिपेयर अ मोटरसाइकिल वंस, ओके तो हमको ये ट्यूटोरियल दी जा रही है सारी, इसको रिपेयर कहाँ से करना है, यहाँ से क्या, अच्छा तो यहाँ से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे इसके अंदर हम नई नई चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, तो इसको रिपेयर कैसे करना है, जी से होल टू कन्फर्म, ठीक है तो मैंने इसको रिपेयर कर लिया, जो भी इसका डैमेज था वो कंप्लीट हो चुका है, बिल्ड अ स्टोव, ठीक है ये असली ट्यूटोरियल है गाइज हमारी, अभी गाइज मैं असली ट्यूटोरियल कंप्लीट कर रहा हूँ, ओके तो स्टोव बनाने के लिए हम लोग को क्या चीज़ चाहिए थी, मैंने देखा था स्टोव पहले बनाने के लिए, बट हमको ना ये रहा, इसके लिए मुझे कोर चाहिए ना, हाँ ठीक है रुको बाइक लेते हैं, बाइक अभी हमने रिपेयर कर दी थी जो डैमेज हुई थी, हाँ भाई अभी डैमेज नहीं है, बट इसमें फ्यूल नहीं है शायद से, मुझे इसके लिए ना
क्लिक हियर टू क्राफ्ट मॉडिफाई पार्ट. ओके, मैं इसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ भाई, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं हम लोग, बट अभी नहीं करना है. अभी मुझे स्टोव वगैरह बना के जो ट्यूटोरियल है वो कंप्लीट करनी है जल्दी जल्दी से. एक बार ही ट्यूटोरियल कंप्लीट हो जाए और प्यारा सा एक हमारा घर बन जाए ना, उसके बाद हम आगे का जो भी काम होगा गाइस वो करेंगे आराम से. मैं वहाँ पे क्लिक कैसे करूँ, अभी तक आ रहा है भाई कि यहाँ पे तुम क्लिक करो तो तुम्हारी बाइक भाई मॉडिफाई हो जाएगी करके. अरे बाइक कहाँ पे उड़ गई. अभी फिलहाल के लिए इतना ही भाई कॉपर लेता हूँ, चलो बैठ जाता हूँ इस पर. चलो गाइस घर पे चलते. वैसे बाइक जो है ना गाइस वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, इसको अगर हम मॉडिफाई करेंगे ना तभी ये भाई जल्दी से जाएगी, मतलब स्पीड में जाएगी, वरना इसकी स्पीड ऐसे ही स्लो रहने वाली है. ठीक है, वेट अ मिनट. अभी बिल्ड अ स्टोव, मैं स्टोव बना सकता हूँ इजीली. अभी स्टोव कहाँ लगा दूँ, स्टोव इसी के साइड में लगा देते हैं ना. नाउ मेक अ डिश ऑन अ स्टोव. मैं वाटर को बॉइल कर सकता हूँ. अभी फिलहाल के लिए तो मुझे खाना चाहिए, तो ये वाला भाई डिश बनाता हूँ मैं. ठीक है, 39 सेकंड्स में बन जाएंगे. ठीक है चलो, और इसको ईट करना पड़ेगा. और कहा गई ये मॉडिफाई वाला ना भाई गायब कर लेता हूँ मैं. क्लिक हियर टू मॉडिफाई, ये आई थिंक से ग्लिच हो गया भाई कुछ, ये ऐसे नहीं जाएगा. अभी जब हम गेम रिस्टार्ट करेंगे तभी जाएगा. चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. मेरे को खाना बनाना था, मैंने खाना बना लिया है थोड़ा सा. ठीक है, हैव वन फ्रेंड. भाई ये क्या बदतमीजी है, जबरदस्ती गाइस, ये जबरदस्ती कर रहे भाई. हैव वन फ्रेंड, मैं कहाँ से भी फ्रेंड को लाओ यार अचानक से, ये कौन सी भाई. नहीं यार अभी तो मैं सोलो खेल रहा हूँ भाई. ये तो गाइस इन लोगों ने भाई गद्दारी कर दी हमारे साथ. हैव वन फ्रेंड बोल रहे, अभी मैं फ्रेंड कहाँ से लेके आऊँ. इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं, आई थिंक से नहीं कर सकते. चलो कोई ना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. हमें यहाँ पे थोड़ा वाटर जो है गाइस वो बॉयल करने के लिए डाल देता हूँ, क्योंकि इसकी हम लोग को ज़रूरत है भाई बहुत ज़्यादा. ठीक है, अब मैं एक मिनट रुक जाओ, मैं गंदा पानी यहाँ से कलेक्ट कर सकता हूँ ना, तो थोड़ा कलेक्ट कर लेता हूँ. रुको, अच्छी बात है मेरे घर के आजू बाजू एलिगेटर के अंडे आते ही रहते हैं. ओके रुको गाइस, यहाँ से मैं गंदा पानी कलेक्ट कर चुके हैं. हाँ मुझे गंदा पानी कलेक्ट करने दो यहाँ से. जी टू कलेक्ट बाई डर्टी वाटर, इससे मैं जो है ना गाइस हमारे पास भाई बहुत ज़्यादा वाटर सप्लाई भाई करके रख दूंगा. ठीक है, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पानी रहेगा, तो मुझे भाई वापस से पानी की जो ज़रूरत है ना वो तो पड़ने नहीं वाली है. लगभग 200 पानी जो है गाइस वो कलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको हम लोग उबाल के क्लीन करने वाले हैं. ठीक है, तो ये है गाइस इस गेम में थोड़ी ग्राइंडिंग भी है, मतलब काफ़ी सारी ग्राइंडिंग है गाइस. आई थिंक से इतना इनफ रहेगा पानी, 200 पानी इनफ है. बट इस पानी को भाई बॉयल करने के लिए मैं इसको अभी तोड़, अच्छा मैं अभी टीन ओर को तोड़ सकता हूँ एक्चुअली. मैं ऑप्टेन, क्या मुझे कुछ तो मिला गाइस. ओह मुझे ये मिला, डिग बॉय मिल गया यार. ठीक है, तो इनको ओर वगैरह को तोड़ के भी ऐसे डिग बॉयज वगैरह मिलते हैं, ये मेरे को पता नहीं था. लेट्स गो, मेरे को गाइस इस पेड़ को तोड़ के थोड़ा वुड कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि उसी वुड से हम लोग भाई यहाँ पे पानी को फिल्टर करने वाले. ठीक है ओके, मैं यहाँ से वुड कलेक्ट कर लिया है. अभी यहाँ पे पानी बनाने के लिए डालता हूँ, ये पानी ले लूँ, 4 ग्लास पानी और 53 ग्लास पानी बन रहा है भाई, अच्छी बात है. चलो बनाने के लिए डाल दिया मैंने. ठीक है, और कुछ नहीं करना ना अभी. अभी तो हैव वन फ्रेंड वो तो भाई देखना पड़ेगा, वो तो मैं बाद में कर लूँगा यार. ठीक है, पार्टी वो तो इवेंट आया, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे बाद में. अभी क्या करें, वो एंकर्स को अनलॉक कर ले हम लोग एक एक करके गाइस. चलो मैं यहाँ पे चलता हूँ, नहीं मैं यहाँ नहीं जा सकता एक्चुअली, मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट मारता हूँ. रुको, वहाँ से हम लोग को एंकर्स को भाई कंप्लीट करने के लिए चलेंगे, और वहाँ से थोड़े से रिसोर्सेस लेके आएंगे. तो ऐसे भाई रिसोर्स कलेक्ट कर करके उनको भाई मुझे डिसमेंटल करना है, और वहाँ से जो चीज़ें मिलेगी उससे मुझे अपने आप को खुद को अपग्रेड करते जाना है. अभी हैव वन फ्रेंड, रुको अगर इस कहीं पर कोई दिखा ना तो उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के ना अपने उसमें ले लूँगा. यहाँ पे कोई फ्रेंड होगा, मतलब बंदा है कोई ऑनलाइन. वैसे ऑनलाइन बंदे तो हैं, बट यहाँ से एक फ्रेंड कर सकता हूँ मैं. ऐड अ फ्रेंड, बराबर इसको ऐड करूँ मैं, कैसे ऐड करूँ लेकिन इसके कर लिया ना ऐड. ऐसे एक हाथ फ्रेंड हमको मिलेगा. रुको, सीजन रिवॉर्ड इज अवेलेबल नाउ, कहाँ पे. वो यहाँ पे सीजन रिवॉर्ड भी मिलता है, वाह पता नहीं क्या
चीज मिली, बट ठीक है कुछ तो मिल रहा है सीजन रिवॉर्ड में मुझे, क्लेम करने दो। ओके, चैलेंजेस कंप्लीट करने से हमको सीजन रिवॉर्ड मिलेगा, और कुछ तो है। ओ ये रहा, वाह भाई वाह, काफ़ी बढ़िया सीजन रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है, नाइस, नॉट डेट बैड। ओ काफ़ी सारी चीज़ें अनलॉक हो गई है, मैं ऐड कर ही जा रहा हूँ, एटलीस्ट एक हाथ तो कोई भाई हमारा फ्रेंड बन जाए यहाँ पे, ठीक है। इसका एक मिशन है वो मैं बाद में करूँगा, रुको पहले मुझे यहाँ पे मेल में क्या मिला है देखता हूँ, रुको। ऐड भाई ये नहीं है, मेल चेक करने थे मुझे, मेल में कुछ आया है रिवॉर्ड वगैरह, क्लेम ऑल, रिवॉर्ड वगैरह जो है गाइस वो तो नहीं आया भाई, ठीक है गाइस चलो कोई सीन नहीं है। अभी एक काम करता हूँ मैं, इसका कोई मिशन है क्या, इसका कोई मिशन होगा तो हम बात करते हैं, ओके ठीक है भाई। मिस्टर भाई काम की बात बता, ओके आई एम एन एडमायरर ऑफ हिज, सैमुअल भाई इसका नाम है, ठीक है। काम तो कुछ नहीं था इसके पास, इसके पास काम नहीं था क्या, ओके ठीक है रुको। इट हैज द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल मेटल टॉय, ओके इट इज नॉट डेंजरस सो दे से, ओके बट इट कांट बी लेफ्ट अलोन, ठीक है तो आई थिंक इट इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट, ओके माय सोर्सेस टेल मी इट इज हिडन समवेयर इन थ्रूविल not too far away, okay but do not delay, there are others in search of such treasure, okay this little guy seems to be fascinated by metals and ores, all right if you have some copper ore or ingots on you, okay you should be able to make nice with him, okay theek hai. To isne mujhe kuch bola hai, ye kis boy ki baat kar di isne mere ko, ye wali cheeze unlock hui hai na nahi guys, ye wali हार्वेस्टर सीजन, या अभी क्या चीज़ें अनलॉक हुई है भाई लेटेस्ट, इसने बोला कि कॉपर वगैरह और अगर मैं लेके चला जाता हूँ ना, तो कुछ बॉयज़ वगैरह के बारे में बोला, ये कुछ चीज़ है आई थिंक से रिकमेंडेड लेवल 3, ठीक है रुको मैं देखता हूँ, लेकिन मुझे अपने पास कॉपर इनगट्स वगैरह चाहिए होंगे, क्या मेरे पास है कॉपर इनगट 3 है भाई, शायद से हमारा काम हो सकता है, रुको चल के देखते हैं, रुकना गाइस ये कहाँ पे, इसको मैं टैग कर लूँ ये वाली चीज़, अच्छा ये तो बाहर ही है यार डायरेक्टली, शायद से हमको कुछ मेटल बॉयज़ वगैरह छोटे छोटे कुछ मिलने वाले हैं, ठीक है उसके लिए मुझे उसको आई थिंक से लालच देना पड़ेगा कॉपर ओर वगैरह का, और उस लालच में वो आ जाएगा भाई, ठीक है ये रहा आई थिंक से ना, नहीं यार मे बी, रुको एडवेंचर टॉक, ठीक है आर यू प्लानिंग टू सेटल डाउन हियर, नो आई एम जस्ट पासिंग थ्रू कैंप, ओके ठीक है ऑल राइट ठीक है। अबे यार ये क्या चीज़ है, साइड मिशन है कोई, इट्स काइंड ऑफ साइड मिशन, न्यू टास्क द लाइट हाउस, ये मार्क जो है ना गाइस वो अभी जस्ट यहाँ पे अनलॉक, अच्छा ये साइड मिशन अनलॉक हुआ है, ओके समझ गए, ये हमको अभी जस्ट जो मिले गाइस वो वेंडिंग मशीन्स, ओके यहाँ पे वेंडिंग मशीन दिख सकती है, साइड मशीन हमारे अनलॉक हुआ है, ओके लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है गाइस मेरे लिए थोड़ा सा गेम, बट चलो कोई ना यार धीरे धीरे करके हम लोग भाई सीख जाएंगे। हैव वन फ्रेंड, रुको अगर कोई दिख रहा है क्या देखने तो मुझे ना, मैं उसको ना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के ना गाइस फ्रेंड बना लेता हूँ जल्दी से, डाल उसको, ठीक है कोई बंदा है क्या यहाँ पे, मुझे गाइस फ्रेंड बनाना है किसी को, क्योंकि भाई ये देखो इसने क्या घर बनाया भाई, क्या घर बनाया भाई बंदे ने, बढ़िया सा घर बनाया है, यहाँ से हम लोग मिशन करने जा सकते हैं, आई थिंक से टावर अनलॉक कर सकता हूँ मैं, या तो ये रिफ्ट पे जाता हूँ, ये रिफ्ट पे चलते चलो, रास्ते में कोई बंदा मिला ना तो उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है। इस गेम में ग्राइंडिंग काफ़ी ज़्यादा है भाई, कुछ भी बोलो ग्राइंडिंग काफ़ी ज़्यादा है, देखो बंदों ने बढ़िया बढ़िया से घर यहाँ पे बना रखे हैं, बट कोई बंदा नहीं दिख रहा, मुझे एक फ्रेंड चाहिए यार, एक फ्रेंड की, ओके यहाँ पे मिशन है एक्सप्लोर फाइंड अ वेपन आर्मर क्रेट, व्हाट डू रियली, या कोई वेपन आर्मर क्रेट मिलेगा हमको, आई थिंक से दिस वन मे बी, अबे अंकल क्यों उंगली कर रहे हो, काट के रख दूंगा बिटवा, पाल तुम्हें उंगली करने के लिए आ जाता भाई है,
वो गाइस यहाँ पे क्रेट ओपन करने, मतलब हर एक भाई एरिया में जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे ऐसे मिशंस मिलेंगे हमको। एंटीडोट मिल गया, नहीं ये एरिया तो अभी क्लियर नहीं हुआ है। रुको, यहाँ पे जो क्रेट्स है ना वो ढूंढनी है मुझे। इस वाले एरिया में क्रेट ऐसा बोला गया है मेरे को, उन्हीं क्रेट्स को ढूंढ रहा हूँ मैं। बॉटल वगैरह स्क्रैप वगैरह मिल रहा है यहाँ पे पड़ा हुआ, ऐसे एक्सप्लोर करना पड़ेगा गाइस एरिया। ये देखो देखो भाई, ऐसे हम लोग को मिलेंगे भाई यहाँ पे वेपन्स वगैरह क्रेट। रुको मुझे पहले बाहर से, यहाँ पे अंदर कैसे जाऊँ मैं? अरे व्हाट द, अच्छा ये रहा रास्ता, वो रास्ता था यहाँ से अंदर जाने का। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये एरिया को पूरा क्लियर कर लेता हूँ। रुको मैं गाइस, ठीक है क्या पता कोई बढ़िया सी वेपन जो है गाइस वो हम लोग को मिल जाए। स्टोरेज क्रेट, और नहीं ये वेपन क्रेट नहीं है, ये कोई तो स्टोरेज क्रेट ही मिली है हमको अभी तक। लैपटॉप वगैरह मिल गया है, बुक वगैरह मिल गई है, इनको डिस्ट्रॉय करके अच्छी खासी चीज़ें मिलेगी शायद से। इस पूरे विलेज में ना हम लोग को ये दो क्रेट मिलेगी। रुको गाइस, आज जो है ना गाइस यही भाई क्रेट ढूंढने का काम करता हूँ मैं। ओके क्रेट जो है गाइस मैं ढूंढता हूँ, इस पूरे एरिया को क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे स्क्रैप भी काफ़ी ज़्यादा मिल ही जाएगा वैसे भी मेरे को। रिपल्स क्रेमेटिक डिटेक्टेड यू, ये क्या चीज़ होती है भाई? डस्टबिन में काफ़ी सामान मिल गया भाई। किससे भाई प्रे कर रहा है भाई, किसको प्रे कर रहा भाई है? काफ़ी ज़्यादा स्क्रैप भी मिल रहा है वो। यहाँ पे ऊपर कुछ है, पता नहीं ये क्या था बट जो भी था उसको तोड़ दिया मैंने। बाहर कुछ है सामान, यहाँ से ऊपर गई है पब्लिक। अरे इनको मार दूंगा यार, इनसे भाई डर। अरे ये रही वेपन क्रेट, पहली वेपन क्रेट मिल गई गाइस हम लोग को। व्हाट द भाई, हेलो व्हाट ड्यूड, आई फाउंड द स्नाइपर राइफल ब्रो, मेरे को स्नाइपर राइफल मिल गई भाई, लेट्स गो। अरे यार ये बढ़िया है भाई, दूसरी वेपन क्रेट भी ढूंढूंगा मैं। और ये ब्लू वाली मिली है, मतलब इनका ना क्लास है गाइस, देखना गाइस क्लास देखो, ये देखो ये हमारी ग्रीन वाली, ये ब्लू वाली। ब्लू वाली मतलब ये थोड़ी सी ना बेटर है भाई, ये थोड़ी बेटर है भाई। क्यों भाई करना है तुमसे भाई, इन सबको फेल दूंगा। रुको गाइस, दूसरी वेपन क्रेट जो है ना गाइस वो भी मैं ढूंढता हूँ, काट दूंगा। भागो यहाँ से जल्दी से, चीजें दे दो भाई, चीजें दे दो भाई जल्दी से। रुको गाइस अभी दूसरी वेपन क्रेट भी ढूंढनी है मुझे यार। तो बढ़िया है भाई, बढ़िया बढ़िया वाले जो ना गाइस वेपन्स मिल रहे हैं हमको। दूसरी वेपन क्रेट कहाँ मिल, वो रही दूसरी वेपन क्रेट, मैंने देख ली, मैंने देख ली, मैंने देख ली दूसरी। अच्छा ये भी है, एक और वेपन क्रेट है शायद से आकर। ओ शिट, वो क्या चीज़ है? रुको गाइस, जो भी चीज़ है, स्नाइपर को स्कोप कैसे करते हैं? पता नहीं यार क्या है, स्नाइपर को स्कोप लगाया बट मैं स्कोपिंग नहीं कर पा रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई। छोड़ो कोई ना, गियर क्रेट है ये तो नॉर्मल वाली। इसमें मुझे, रुको गाइस हाँ आर्मर मिला है। रुको गाइस मैं अपना गियर भी चेंज कर लेता हूँ, 140 वाला ये आर्मर हम लोग पहनेंगे भाई। ये वाला कैसे लगा है, इक्विप, ठीक है। हेलो 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 अंकल, अरे मार खा रहा था यहाँ पे। अच्छा खुले में ये काम नहीं करना है गाइस मेरे को, मेरी हेल्थ डाउन होगी फालतू, मेरे को मेरी हेल्थ डाउन होगी फालतू में। ठीक है ठीक है, वहाँ पे ऊपर एक मैंने क्रेट देखी थी, आई थिंक से वो हमारी सेकेंड वेपन क्रेट है, इसको मुझे चेक करके फटाफट से आने दो गाइस यहाँ पे। मे बी हमारी, ओके यहाँ पे पिस्टल, ओह ठीक है यार काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं भाई। ये गेम बढ़िया बना है यार, फुल एक्सप्लोरेशन भाई, हर एक चीज़ में घुस के आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ऐसी गेम जो ना मेरे को बहुत पसंद आते हैं भाई। घूमो भाई जहाँ घूमना चाहो, फुल ओपन वर्ल्ड है, फुल ओपन वर्ल्ड, जहाँ घूमना चाहो वहाँ घूमो, जो करना है करो भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ऊपर जाना है बस, ऊपर मुझे भाई वो मिल जाएगा चेस्ट, तो यहाँ से ये रहा रास्ता ऊपर जाने का आई थिंक से। ये हमारा, ये क्या हुआ, मिस बर्ड के उसके ऊपर वो टांग के आ गया डायरेक्टली। ओके क्या मिला वेपन, सेकंड वेपन क्रेट में कुछ नहीं मिला, लूट क्रेट है ना ये लूट क्रेट है इसमें। ओ भाई साहब आर्मर मिला भाई, ये पूरा एरिया क्लियर है गाइस, अभी यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला हम लोग को।
रुको गाइस, गेयर में मुझे तगड़ा वाला आर्मर मिला है, तगड़ा वाला कहाँ मिला है? आई डोंट नो, गेयर तो मिला बट कौन सा वाला गेयर मिला ना पता नहीं। अरे क्यों मार रहा भाई, तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने जाना चुपचाप से, फालतू में उंगली करने के लिए आ जाते हैं भाई ये है। ठीक है तो अभी मुझे यहाँ से नीचे घर में, अच्छा रुको, वहाँ पे एक और चेस्ट हो गई है ओपन, इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। स्टोरेज चेस्ट है वैसे ये पूरा, यहाँ पे जो अच्छी अच्छी वाली लूट मिलनी चाहिए थी ना वो सारी हम लोग ने कलेक्ट कर लिया है गाइस, अभी और अच्छी लूट नहीं मिलेगी। मैंने एक चीज, ये बर्ड एज अ ग्लाइडर वर्क कर रहा है भाई यहाँ पे, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है और चेस्ट है कोई? और अगर थोड़ी सी चेस्ट है ना तो मैं लूट लूँ यार, होटल में जाके देखता हूँ। बस बैस अलार्म क्लॉक कलेक्ट कर लो ये सब, ये ना स्क्रैप करके जो है ना गाइस, इससे हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती है, जो हम लोग अभी कर रहे हैं ना एक्सप्लोरेशन, इससे जो भी चीज़ें मिलेगी ना उनको हम स्क्रैप करेंगे जो हमारे काफ़ी काम आएगी। क्या भाई यहाँ पे कुछ और नहीं भाई, रात हो गई यार पूरी, मुझे घर पे जाना पड़ेगा लग रहा है। यहाँ पे और कुछ है? और कुछ दिख तो नहीं रहा, चेस्ट वगैरह है कहीं पे और? अगर पड़ी हुई मिली ना तो भाई मैं लूट लूँ बट, अरे क्यों भाई वो कर रहे, ले मर जा भाई। कुछ चीज़ें नहीं मिली, बढ़िया यार मुझे एक स्नाइपर मिली, मैं इस बात से भाई बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बट उस पर ना स्कोप जो लगा हुआ है वो मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा है। ये देखना भाई, ये रही वो स्नाइपर, बट हम इसके ऊपर का स्कोप नहीं यूज़ कर पा रहे, राइट क्लिक से डायरेक्टली फायर होगा और वन शॉट भाई डाउन है सीधा, बट मैं इसका स्कोप नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ। यहाँ पे फ्रैगमेंट्स मिलेंगे? अरे हटो ना भाई, क्यों फालतू में आ रहे भाई तुम? ठीक है स्क्रैप मेटल मिल रही है गैराज वगैरह में, ये भाई पता नहीं किससे भाई यहाँ पे दुबा मांग रहा है। चलो लेट्स गो, भी निकल लेता होगा इसमें यहाँ से, जितना काम यहाँ पे करना था जितने सारी चीज़ें लूटनी थी हम लोग ने लूट लिए भाई। ओके अभी यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, लेट्स गो जल्दी जल्दी से इस टाउन से निकल लेता, एक काम कर लेता हूँ मैं घर पे चला जाता हूँ डायरेक्टली, घर पे चलते भाई डायरेक्टली आ जाऊँ। लेट्स गो, जब तक हमारा कोई एक फ्रेंड नहीं बनता तब तक गाइस हमारा काम जो है गाइस वो नहीं हो पाएगा। ठीक है एक फ्रेंड हम लोग को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी फिलहाल के लिए, तब तक हमारे आगे की जर्नी नहीं भाई कंप्लीट हो पाएगी। मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं ये वाला ट्रैक कर लेता हूँ भाई, वेलकम बैक वाला ना, फॉलो द स्टार डस्ट, फॉलो द स्टार डस्ट ट्रैक दिस ना, सिक्योर फेस्टिंग जेल इन टेरिटरी सिक्योरमेंट यूनिट, इन टेरिटरी सिक्योरमेंट यूनिट। ओके पानी मेरे को 53 मिल चुका है, पानी का कोई जुगाड़ नहीं भाई, वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगा अभी। ठीक है हम काफ़ी सारी चीज़ें लेके आ चुके हैं, तो मैं चाहूँ तो ये देखो कितना सारा चीज़ें मैं स्क्रैप कर सकता हूँ। लॉन्चर, इट्स वेपन, ये वेपन कैटेगरी में आएगा ना आई थिंक, पता नहीं मे बी वेपन कैटेगरी में आएगा, बट वो दिख नहीं रहा वहाँ पर। स्क्रैप करने के लिए मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिली है, देखो भर भर के चीज़ें मिली जिनको मैं स्क्रैप कर सकता हूँ अभी यहाँ पर, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। मुझे ना सिक्योर फास्टिंग जेल इन वॉट सिक्योरमेंट यूनिट, सिक्योरमेंट यूनिट क्या चीज़ है ये मुझे देखना पड़ेगा गाइस पहले। सिक्योरमेंट यूनिट्स मे बी यहाँ पे ऐसे कोई जगह होगी सिक्योरमेंट यूनिट वगैरह जिसको हमको सिक्योर करना हो। ठीक है चलो ये काम करेंगे हम अगले एपिसोड में। ठीक है आज हमने काफ़ी ग्राइंडिंग करी, आज हम लोग को स्नाइपर वगैरह भी मिली है। ठीक है ग्राइंडिंग मैक्सिमम हम लोग ने करी है गाइस, गैराज वगैरह बना लिया, काफ़ी सारी चीज़ें बना ली है, थोड़ी ट्यूटोरियल कंप्लीट करी है, तो बचा हुआ काम हम अगले एपिसोड में कंप्लीट करेंगे। बाकी आज का ये वाला एपिसोड जो है गाइस यहीं पे खत्म हो जाता है वंस ह्यूमन का। बाकी अगर आज का एपिसोड पसंद आओगे तो वीडियो को लाइक जरूर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो अपना मेन चैनल गेमिंग विद आर4ओचून उस पर जो है ना गाइस डेली एक प्रमोशनल वीडियो अपलोड होती है, प्लीज़ जाके तुम्हारे भाई के लिए उस वीडियो को चेकआउट कर लेना गाइस प्लीज़ यार। उस पर अगर 6500 व्यूज़ हो जाते तो इस चैनल पर डेली 2 से 3 वीडियो अपलोड होगी, तो जाइए और फटाफट से चेकआउट करके आ जाइए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर एंड थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो, बाय बाय। बट इट्स टू लेट नाउ, आई रिमेंबर यू एंड मी एंड हाउ केयरलेस वी बी ऑल डे एंड ऑल नाइट, वी स्टे अप इन
felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook.